अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना रेहान, खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की मेरी वीडियो रिक्वेस्टेड थी मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर की अब्दुल सुभान, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बेबी न्यू बॉर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें, चाहे फ्रॉक हो, हेड बैंड हो, वो सिखाऊँ। तो मैंने आज की वीडियो बनाई है ये हेड बैंड की, जिसमें मैं आपको 3 वेरिएशंस दिखा रही हूँ। आप या तो सिंपल बना सकते हैं इस तरह से विथ फ्लावर, आप बना सकते हैं टू टोन, यानी कि एक साइड पे पिंक, एक साइड पे ये मैंने ब्लू यूज़ किया है विद टू टोन फ्लावर, और आप चाहें तो सिंगल टोन में ये पर्ल्स इस तरीके से लगाकर बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो क्वालिटी के हवाले से बताना चाहती हूँ कि जिनको पिक्सल्स का इशू हो रहा है वीडियो देखने में, तो प्लीज़ वो अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करके 240 to 360p पर लाएँ, क्योंकि इंटरनेट कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी दफ़ा 144p पर ऑटोमेटिकली वीडियो ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको क्लियर नज़र नहीं आता है। अच्छा जी, अब एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि या तो आप मेजर करके बनाएं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो अगर आप मेजर करते हैं तो आप बेबी का हेड जो मेजर करेंगे उससे हाफ इंच छोटा बनाएंगे इसको। रीज़न ये है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच आता है तो वो फिर सर से स्लिप हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से ये हमने इसको मेजर करना शुरू किया है, जो मैंने सबसे छोटा बनाया है। ये 13 inches राउंड में आ रहा है, ठीक है। इससे बड़ा हमने जो बनाया है वो ये वाला है, तो इसको हम ये सेटल कर लेते हैं। तो ये है 8 inches, तो यानी टोटल 16 inches है राउंड में, और ये वाला 7 है, तो राउंड 14 inches है राउंड में, ठीक है। तो मैं आज आपको ऐसे बता रही हूँ, टू टोन अलोंग विद द पर्ल्स। प्लेन तो आप आराम से बना सकते हैं, मैं आपको टू टोन बता रही हूँ अलोंग विद द पर्ल, ताकि ये एक ही वीडियो में आपको तीनों इजीली मिल जाए। अच्छा, अब इस पैटर्न के हवाले से एक बात ये है कि इसमें 5-5 के सेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। 5-5 के सेट्स किस तरीके से, यानी कि 10 स्टिचेस, अगर 10 चेन अगर आप बनाते तो 2 बनेंगे ये आपके, 2 शेल्स बनेंगे ये वाले, ठीक है। अगर आप 15 बना रहे हैं तो 3, 20 बना रहे हैं तो 4, इस तरीके से। तो 5-5 के सेगमेंट्स इसमें आएंगे, तो 20 के ये 4 बनेंगे, तो इस तरीके से आप 40 के लगा ले 8, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। तो आज ये वाला जो मैंने छोटा बनाया है 3.5 mm क्रोशिया हुक से बनाया है, और ये बड़ा वाला मैंने 4 mm क्रोशिया हुक से बनाया, तो इसके टांके भी थोड़े से बड़े हैं। आज मैं आपको ये 3 mm हुक से बता रही हूँ फिलहाल, फॉर द टीचिंग पर्पस। तो आप कोई भी अपना ऊन लेंगे, इसमें आपको स्टिचेस आने चाहिए। अगर आपको कोई भी बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरे बेसिक स्टिचेस की वीडियो में आप जाइए। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं और इस तरीके से हुक में फिक्स कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया 5 का एक शेल मिलता है, ठीक है, 5 चेन्स का। तो ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, मतलब केस का एक बनेगा शेल। तो अभी मैं आपको आज 50 का बता देती हूँ, जो मैंने ये वाला बनाया है 50 चेन्स का बनाया है। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अब समझें कि आपको भी 50 का बनाना है, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें, उन नंबर्स ऑफ चेन में आप एक चेन और बनाएंगे, या आपने एक चेन और बना दिया। अब ये वाला चेन नहीं, और ये वाले चेन में, सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा सेकंड चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद हम एक टांका छोड़ेंगे, और उसके बाद जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है
ये जहाँ पे हमने सिंगल बनाया, इसके बाद ये वाला चेन छोड़ेंगे और इस वाले चेन में हम बनाएंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद वाला चेन छोड़ा एक चेन, और उसके बाद वाले चेन में हम बना रहे हैं 5 डबल क्रोशिया। तो ये एक, दो, तीन, चार और ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम दो चेन्स छोड़ेंगे। तो एक चेन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए नॉट आ गया है, तो एक, ये दो और ये थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक, ये दो और ये थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। इस तरह से, ठीक है। फिर से हम जहां पे सिंगल क्रोशिया किया उसके बाद एक, दो और ये तीसरे चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। फिर से हम दो चेन्स, ये एक जो बिल्कुल छोटी, क्योंकि खिंच जाता है तो छोटी हो जाती है चेन, एक, ये दो और ये तीन में तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आपने ऑल द वे पूरा एंड तक यही करते जाना है कि दो चेन्स छोड़ी, 5 डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन छोड़ी, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये पूरा ऑल द वे आपने एंड तक यही करते जाना है। अच्छा जी, ये बैंड हमारा रेडी हो गया है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, अक्सर काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, ऑब्वियस है। तो एंड में अगर आपके आकर इस तरीके से हो जाए कि सिंगल क्रोशिया के बाद दो चेन्स बचती हैं, तो घबराए मत आप, क्योंकि ये देखें, ये वाला जो है ना एक दूसरे से जुड़ जाएगा। हमें ये जोड़ना है आपस में बैंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं, बो लगा सकते हैं, कोई भी मोती लगा सकते हैं। तो इसका आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो कि पूरा बैंड आपने खोल लिया, ये आपने नहीं करना है। अब जैसे, क्योंकि देखें मेरे भी इसमें एंड में यहाँ पे दो चेन्स बच गई हैं, और अगर आपका जैसे स्टार्ट में हुआ था कि एक चेन ऐसा हो कि पैटर्न यहाँ पर आपके बने और एक चेन छोड़ के फिर एक में सिंगल क्रोशिया बनाना हो, तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। अगर इस तरह से आपका इशू हो जाए कि आपने हाफ शेल बना दिया है, फिर दो स्टिचेस छोड़ के आपने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक स्टिच छोड़ा, तो सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये एक, क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं। अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे 5 बनाएंगे, दो और ये 3, तीन हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्योंकि हमने कलर चेंज करना है, तो हम दूसरे कलर के दो और पेटल्स बनाएंगे, वरना हम कंटिन्यू एक ही कलर के कर देंगे, अगर आपके साथ भी ये मिस्टेक होती है तो। तो यहाँ पर मैं इस काम को रोक देती हूँ। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे सिंगल कलर बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि ये बैंड बनाने से पहले आपने अपने ऊन में पर्ल्स को पिरो लेना है, ठीक है। और अगर आप टू टोन कलर बना रहे हैं, तो जिस तरीके से अब मैं दूसरे कलर में पहले पर्ल डालने वाली हूँ, तो आप इसी तरीके से पहले कलर में पर्ल ऐड कर देंगे। तो आप काउंट करेंगे, मैंने भी काउंट किया, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शेल्स हैं। तो ये दो मोती हमने डाल दिए, ये 4, आप कोई भी अपनी पसंद के मोती डाल सकते हैं, 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ इनकेस अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर आपको ओवरऑल पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप पर्ल्स को इस तरीके से पीछे कर देंगे और ये नीडल आप निकाल देंगे इसमें से। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, तो हमें एक अनरैवल करना होगा क्योंकि हम इसमें से दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो हम इसी तरीके से रैप करेंगे, इसको स्टिच में लिया
पहले दो से निकाला, फिर दो से नहीं, फिर दो से नहीं निकालेंगे, सॉरी सॉरी मैं भी उल्टी पुल्टी हो गई हूँ। फिर हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे और ये हम दो से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमारा टॉप पर पर्पल आ गया और ओवरऑल स्टिच जो है वो हमारा ग्रीन ही बन गया। ठीक है, अब इसको आपने ऐसे पकड़ के रखना है, उसको हम बाद में आपस में गिठान लगा देंगे। अगर आपको ऐसे आदत नहीं है तो पहले आप गिठान लगा लें। अब रैप किया और इसी टाँके में एक टाँका इस तरीके से पर्पल का बना लिया, फिर रैप किया, फिर उसमें एक और टाँका, ये हमारे टोटल पांच हो गए। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इसमें हमने एक एक्स्ट्रा बनाना है क्योंकि हमने पर्ल भी ऐड करना है। तो रैप किया और ये पर्ल को हमने आगे पुश किया धागे में इस तरह से, और इसको हमने फिर से इसमें इंसर्ट किया। और अब आप देखिए पर्ल जो है वो ऑटोमेटिकली बैक पे जा रहा है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको इसमें से प्रेस कर देना है और ये हाफ डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर आपने ऑल द वे यहाँ स्लिप स्टिच देना है, जो हमारा पहला स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया। जब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे ना तो हमारा ऑटोमेटिकली काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम ये एक, ये दो और ये तीसरे में हम पर्ल को ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे रैप किया और ये यहाँ से पर्ल आगे करके ना पर्ल के जो बाद वाला ऊन है ये हमने कैच करना है इस तरह से। ठीक है, और फिर पर्ल को हमने यहाँ सेंटर से पीछे से धक्का मार के आगे कर देना है और फिर हम टाँका अपना कंप्लीट करेंगे दो से, फिर दो से। ये हमारे तीन हो गए, ये चार। आप चाहें तो बाद में भी सी सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये होता है कि फिर अगर आप एक ही धागे में सीते रहते हैं तो वो उसका स्ट्रेचेबल होना ख़त्म हो जाता है, बीच में धागा खिंचता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे दो हो गए। आप चाहें तो यहाँ पर्ल ना भी लगाएं क्योंकि ये तो अटैच हो जाएगा, यहाँ फ्लावर भी लगा सकते हैं अगर बाकियों में पर्ल लगाना है। तो इट्स रियली डिपेंड कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर जो स्पेस है ये देखिए सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम सिंगल करेंगे, फिर यहाँ पे पांच, तो पहले दो और तीसरे में हमने पर्ल लगाना है ताकि वो पर्ल हमारा सेंटर में आए। ये दो डबल क्रोशिया और तीसरे में हम ये पर्ल को आगे लाएंगे, ये स्टिक को अंदर इस तरीके से डाला और ये पर्ल के बैक वाला ऊन लिया, पर्ल को पीछे से ये धक्का मार के यहाँ से पुश करके निकाला, फिर ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया स्टिच। और फिर हम ये दो और बनाएंगे तो हमारे टोटल पांच कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पूरा ओवरऑल ये करते जाना है। अच्छा जी, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब जो है मैं इसमें ये लास्ट स्टिच बना रही हूँ। इस तरह से, और ये लास्ट स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये आपका टू टोन भी आपने सीख लिया प्लस पर्ल्स भी। अब एट दी एंड हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला यहाँ पर ये राउंड है यहाँ पे, ये आपको ये आपको नज़र आ रहा होगा पहला स्टिच, इसमें हम स्लिप स्टिच दे देंगे। ये इस तरीके से एक चेन बनाएंगे और ये आप थोड़ा सा ज़्यादा हम धागा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमने इसको सीना भी है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो मैंने आपको बताया था ग्रीन अभी तक मेरा अटैच हुआ हुआ है, तो ये हमने जो पर्पल है हमारा और ये जो ग्रीन बड़ा बड़ा वाला हमारा है, ये पर्पल और ये ग्रीन को हम गिठान लगा देंगे ताकि हमारे जो स्टिचेस हैं वो अनरैवल यानी खुले नहीं बेसिकली, और ज़्यादा देखिए टाइट नहीं करेंगे वरना ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। तो बहुत टाइट नहीं करना, एक गिठान और ये दूसरी गिठान इस तरह से। ये देखिए
ठीक है, अगर आपको ये जैसे अभी लूज हैं तो प्रॉब्लम है अगर इससे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक कर सकते हैं, वरना आप अगर बहुत लूज़ हो गया है तो यहाँ पे एक टाँका हम फिर से मार देंगे जैसे कि ऊन की सुई से, तो उसका भी कोई मसला नहीं है अगर इस तरीके से भी कुछ हो जाए तो, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको भी बड़ा ही काट देते हैं इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, दो तरीके, एक तो या तो आप बैंड छोटा बनाओ, ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 पांच शेल्स का, और फिर यहाँ से हम नया ऊन लगा के चेन बना दें और बेबी के सर के पीछे हम गिठान लगा दें, यानी यहाँ से यहाँ तक ये खुला हुआ होगा। ये अब कैसे समझाऊँ मैं ये बात, ये बच्चे का सर है जो कि नहीं है यह आपने ऐसे रखा और ये पीछे गिठान लगा दी, एक आपके पास ये ऑप्शन है। उसके लिए आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेना होगा बच्चे के सर का, जहाँ तक आप ये शेल्स चाह रहे हैं, उसके बाद से चेन बना दी और फिर पीछे गिठान लगा के बो बना दी, उससे आपको लूज और टाइट होने का डर भी नहीं होगा, ज़ाया होने का डर भी नहीं होगा। दूसरा जो तरीका इसका नॉर्मली है, उसको यहाँ से जोड़ना और ये देखें ये स्ट्रेच हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यही वाला तरीका सिखा रही हूँ, तो हम ये पर्पल वाला ऊन या ग्रीन वाला जो भी आपको बेहतर लगता है उसको इस तरीके से लेके हमने ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये यहाँ से जॉइन कर देना है ऐसे, ठीक है, मतलब चेन टू चेन जॉइन करना है ताकि ये इतना जॉइनिंग इसका पता ना चले। ये देखें इस तरह से, इन केस अगर आपको पता चल रहा है इसका कि बहुत बुरा लग रहा है, जॉइनिंग है, ये है वो है, तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक फ्लावर बना के लगा देना। ये यहाँ पर एक फ्लावर, जैसे कि ये इसका जॉइनिंग पॉइंट है, ये देखें, और ये जॉइनिंग पॉइंट किस कदर बुरा लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, तो यहाँ पे मैंने इसको छुपाने के लिए ये फूल लगा दिया, सिंपल इज दैट। तो आप ये कर सकते हैं कि आप फूल लगा दें, ये बो लगा दें, बो किस तरह बनती है इसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो ज़रूर इस वीडियो को विज़िट कीजिए, बहुत आसान सिंपल बो है, बहुत सिंपल बो है। तो ये देखें, ये आप यहाँ लगा दें और ये पर्ल्स आ गए, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ हुआ है। ये सबसे अच्छा तरीका है आपकी अपनी कुरेशी की कमज़ोरियाँ छुपाने का, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितना भी एडवांस हो जाओ कुरेशिया करने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो ही जाता है मिस्टेक्स आपसे, तो इट्स ओके, मुझसे भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपने किया, फिर ये आपने पीछे नॉट बनाई, और ये गिठान लगाकर फिर आपने ऊन को जो है वो कट कर देना है। अब आप इसमें पर्ल्स लगा सकते हैं, सितारे लगा सकते हैं, इसमें आप हीरे लगा सकते हैं, जो स्टोन वाले बटन्स मिलते हैं वो लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप इसको किस कदर खूबसूरत बना सकते हैं। चाहें तो आप इसमें तरह तरह के बटन्स लगा सकते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का बैंड बना के उसमें कलरफुल बटन्स लगा सकते हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं। और अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करें तो मेरे पेज पर ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको आज एक चीज़ सिखा दी है, और फ्लावर ट्यूटोरियल्स मैंने काफ़ी बताए हुए हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए उन पर भी, और मज़े मज़े के अच्छे अच्छे से फ्लावर्स आप इन पर लगाइए, डेकोरेट कीजिए, और मेरे पेज पर ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।